नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए जाते हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सभी शिक्षक साथियों को प्रमोशन का इंतजार रहता है और इस आदेश के आधार पर आप देख सकते हैं कि अब सभी जो शिक्षक है मतलब प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का जो प्रमोशन होना है उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। आप यहां पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित और ये लिखा हुआ है रायपुर शुक्रवार दिनांक 31 दिसंबर 2021 पौष 10 शक 1943 शक संवत 1943। स्पष्ट है कि यहां पर देखिए मैं इस आदेश को पूरा पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर दिनांक 31 दिसंबर 2021। अब ये अधिसूचना जो निकला है इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी शिक्षक साथी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पूरा आदेश लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 14, 15, 17 एवं 19 पर क्रमशः। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप वीडियो को यहीं रोक कर पढ़ भी सकते हैं। यहां पर लिखा है क्रमशः शिक्षक आबलिक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, मतलब यहां पर शिक्षक मतलब माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक विद्यालय के, मतलब शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और प्रधान पाठक जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक हैं वे यदि प्रशिक्षित हैं और निश्चित योग्यता रखते हैं व्याख्याता बनने के, मतलब यदि उसने स्नातकोत्तर किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है या फिर उसने एमए किया हुआ है तो वह व्याख्याता बन सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शिक्षक मतलब माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक की बात हो रही है और प्रधान पाठक मतलब प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर व्याख्याता बन सकते हैं लेकिन उनके लिए आवश्यक है कि वो प्रशिक्षित हो और स्नातकोत्तर की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। उसी प्रकार आगे देखिए शिक्षक आबलिक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, मतलब प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो प्रशिक्षित तो हैं लेकिन अगर वो स्नातकोत्तर नहीं है और वह स्नातक किया हुआ है मतलब वो बीए या बीएससी किया हुआ है तो भी वो प्रमोट हो सकता है, लेकिन कैसे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यदि शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला प्रशिक्षित स्नातक है तो वो क्या करेगा, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला मतलब वह माध्यमिक विभाग का प्रधान पाठक बन सकता है। उसी प्रकार अब देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं जैसे सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक से, मतलब प्राथमिक विद्यालय के वे शिक्षक जो केवल शिक्षक है मतलब प्रधान पाठक नहीं है वे शिक्षक भी प्रमोट हो सकेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि सहायक शिक्षक जो है प्रशिक्षित होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए, यदि वो स्नातक है मतलब बीए या बीएससी किया हुआ है। तो इस प्रकार अगर कोई सहायक शिक्षक प्रशिक्षित है तो वह और स्नातक किया हुआ है तो वह सहायक शिक्षक से शिक्षक बन सकता है, मतलब माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक के रूप में उसका प्रमोशन हो जाएगा, अन्यथा सहायक शिक्षक जो है प्राथमिक विद्यालय का प्रधान पाठक भी बन सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सहायक शिक्षक अगर प्रशिक्षित है से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु कालम नंबर 3 में निर्धारित न्यूनतम आयु 5 वर्ष को केवल एक बार के लिए 3 है ना, एक बार के लिए
शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित करता है। मतलब अभी जो प्रमोशन होगा, आप सभी जानते हैं कि प्रमोशन का जो अधिकतम आयु है, अनुभव है, वो 5 वर्ष है, लेकिन एक बार के लिए शिथिल किया गया है। मतलब अभी एक बार 3 वर्ष के आधार पर, 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर ही प्रमोशन होगा। तो निश्चित रूप से आपने इस नियम को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से पढ़ा होगा। इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जाएगा तथा अर्थ लगाया जाएगा जैसे कि इससे कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था। निश्चित रूप से अब प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठक भी प्रमोट हो पाएंगे और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक प्रमोट हो पाएंगे। इसके लिए निश्चित योग्यता जरूरी है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।